फ्रेंड्स, आज के इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इवनिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक फ्लाइटों की बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और कुछ लिमिटेड ही सही, लेकिन शुरुआत तो हुई। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है इंटरनेशनल फ्लाइटों की, क्योंकि वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है और ये भी नहीं पता है कि कब तक स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी सूचना नहीं मिली है। आपको कई यूट्यूबर्स ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि फ्लाइटों की डेट जून महीने में आ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जून महीने की कोई भी डेट कंफर्म नहीं है कि जून महीने में फ्लाइटें उड़ेंगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि सरकार वंदे भारत मिशन को और आगे तक करने की तैयारी कर रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि वंदे भारत मिशन में एयर इंडिया की और ज़्यादा फ्लाइटें ऐड हुई हैं और उन एयर इंडिया के फ्लाइटों के अलावा इंडिको और स्पाइस जेट भी अपनी फ्लाइटें ऐड कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिको एयरलाइन ने अपनी कुछ फ्लाइटों का शेड्यूल भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पहले गल्फ कंट्री से होगी। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिको एयरलाइन, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उसकी कुछ 97 फ्लाइटें तैयार हैं जो कि मिडल ईस्ट कंट्री से होंगी, जिसमें सऊदी अरेबिया, दोहा, कुवैत, मस्कट आदि देशों से इसकी फ्लाइटें शुरुआत में केरला के लिए होंगी, बाद में बाकी के राज्यों के लिए ये फ्लाइटें उड़ेंगी। इंडिको के अलावा 180 फ्लाइटों की परमिशन प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों को दे दी गई है, यानी कि कुल प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां 180 फ्लाइटों को ऑपरेट करने वाली हैं। इन फ्लाइटों से बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1,90,000 भारतीयों को देश में लाया जा सकेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इन फ्लाइटों के अलावा एयर इंडिया की भी कुछ सेपरेट उड़ानें हो रही हैं, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों के उड़ने में देरी की जा रही है, उनको उड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वह एयर इंडिया को फायदा पहुँचाना चाहती है या फिर उसकी कोई और मजबूरी है? इसको लेकर हमने पहले की वीडियो में आपसे काफी ज्यादा डिस्कस किया हुआ है और ये भी बताया है कि इस समय वंदे भारत मिशन में केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही आने दिया जा रहा है, ज्यादातर लोगों को अभी तक नहीं आने दिया गया है। चाहे वो मजदूर हो या स्टूडेंट हो, सभी लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, कोई भी देश में नहीं आ पा रहा। लेकिन फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यदि प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां आ जाती हैं वंदे भारत मिशन के तहत, तो अवश्य ही दूसरे देशों में फंसे हुए लोग भारत आ सकेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई ये बताता है कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, तो फ्रेंड्स वो आपको गलत जानकारी बता रहा है, क्योंकि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों के अभी हाल फिलहाल में उड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और सरकार ने भी अभी तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सच्चाई पता लग गई होगी कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटें अभी नहीं उड़ने वाली है। हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, और एयरलाइन की आने वाली लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।